आज हम लोग शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स अभी क्लास टेंथ रियल नंबर्स पहला चैप्टर है। आइए हम लोग थोड़ा दोहरा ले, नाइन्थ क्लास में और सिक्स सेवेंथ ईयर्स क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं क्या है? प्राकृतिक वस्तुओं की गणना में प्रयुक्त प्राकृतिक वस्तुएं क्या हैं? जंतु एवं वनस्पतियां ये क्या प्राकृतिक वस्तुएं हैं? प्राकृतिक वस्तुओं की गणना माने गणना में प्रयुक्त माने इस्तेमाल होने वाली प्रयुक्त संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। The numbers used in calculating natural things. The numbers used in calculating natural things are called natural numbers. आप जानते हो नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये हैं क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, इसको कहते हैं एंड सो ऑन का मतलब एंड माने और, सो माने इसी प्रकार, ऑन माने आगे बढ़ते जाइए और इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाइए जहां तक आप जा सकते हो। ये क्या है, इसको इस तरह पढ़ा जाता है एंड सो ऑन, और ये क्रम जारी रखते आगे बढ़ते जाइए। ये प्राकृतिक वस्तुओं की गणना होती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके बाग में कुल कितने पेड़ हैं, तो ये नहीं कहोगे मेरे बाग में 2 सही 1/4 पेड़ है, नहीं कहोगे 3.4 पेड़ है, नहीं कहोगे कि 1.5 पेड़ है। ये सब क्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। आपसे पूछा जाए कि आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं, भले उसमें 4 साल का कोई बच्चा हो, कोई 2 साल का होगा, कोई 60 साल 70 साल का होगा, लेकिन सबको गिन के आप कहोगे मेरे घर में कुल 13 सदस्य हैं। ये नहीं कहोगे 12.5 सदस्य हैं, नहीं कहोगे 11.5 सदस्य हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक वस्तुओं की गणना में प्रयुक्त नंबर यही सब है। तो प्राकृतिक वस्तुओं, चाहे पेड़ पौधों की गणना करना हो, आदमियों की गणना करना हो, हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं की गणना में प्रयुक्त जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो ये रही प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद दूसरा, हमारी गणना में कभी कभी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कभी कभी इसी प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य भी बढ़ा लीजिए। क्या क्या है? इंक्लूडिंग जीरो को सम्मिलित करते हुए, इंक्लूडिंग जीरो ऑल द नेचुरल नंबर्स
नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या है, ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स क्या कहते हैं इनको, पूर्ण संख्याएं, क्या कहते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, दीज आर, ये क्या है, दीज ये हैं, दीज आर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, फिर कहोगे एंड सो ऑन, एंड सो ऑन लिखोगे नहीं, इसे एंड सो ऑन इसे बिंदी दे के रखते चले जाओ, डॉट 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 कहते हैं इसको एंड सो ऑन, इसी प्रकार आप आगे लिखते जाइए एंड राइट सो ऑन, इसी तरह से लिखते जाइए, इनको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या है। तो आप ये कह सकते हैं जीरो वो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, जीरो नेचुरल नंबर्स के समूह को, नंबर्स के समुच्चय को क्या हम कहेंगे, होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और आगे बढ़िए नंबर थ्री, इसके बाद आता है हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कुछ ऋणात्मक चीजों की भी गणना करते हैं, धनात्मक हो गया, इसके पैरेलल इसी के समानांतर कुछ हम ऋणात्मक गणनाएं भी करते हैं, उनको भी अगर हम सम्मिलित कर लें तब उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं, क्या कहते हैं पूर्णांक। क्या होता है जीरो के साथ साथ इंक्लूडिंग क्या है, पूर्ण संख्याओं के साथ या होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स विथ निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के निगेटिव, नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर, इंटीजर्स, इंटीजर्स आर ऑफ थ्री काइंड्स, इंटीजर्स आर ऑफ थ्री काइंड्स, थ्री काइंड्स तीन प्रकार के होते हैं, इंटीजर तीन प्रकार के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर ये पॉजिटिव इंटीजर क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स ही को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, नेचुरल नंबर्स यही पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर कौन है ये देखिए, ये हो गया जीरो, ये जीरो इंटीजर, फिर इधर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड सो ऑन, इसी तरह से इसके पीछे की ओर आइए, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स एंड सो ऑन, इनको हम कहेंगे ये क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्या है ये नेगेटिव, इसको हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स ये है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और यह शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर,
इंटीजर क्या है? धन पूर्णांक, हिंदी में कहेंगे धन पूर्णांक, यह है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, हिंदी अंग्रेजी दोनों जानिए, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, क्या कहेंगे इसको? शून्य पूर्णांक। पूर्णांक तीन तरह के होते हैं। अब आगे बढ़िए नंबर चार। अब इसी पूर्णांक में थोड़ा और जोड़िए, कुछ भिन्नों को भी जोड़ दीजिए, कुछ भिन्न भी जोड़ दीजिए, वो भिन्न दशमलव भिन्न भी हो सकते। देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट माने समुच्चय या झुंड, समूह, सेट माने समूह या समुच्चय या झुंड, ए सेट ऑफ इंटीजर्स विथ फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शंस दशमलव के भी हो सकते हैं, विथ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स नहीं, सेट ऑफ इंटीजर्स विद फ्रैक्शन आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसको हम लोग इस तरह भी कहते हैं, क्या है? रैशनल नंबर हम लोग कहते हैं, पाया जाता है पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याओं को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। पी बाई क्यू का मतलब पी क्या है? कोई नंबर है, वो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। दूसरे ढंग से इसको हम कहते हैं द नंबर्स रिटन एज पी बाई क्यू, चेक आउट, रिटन एज फ्रैक्शन, पी बाई क्यू माने फ्रैक्शन माने भिन्न, भिन्न के रूप में लिखी जा सकने वाली, रिटन एज फ्रैक्शन एज पी बाई क्यू आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, नंबर्स इनको कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या है परिमेय संख्याएं? देखिए पी बाई क्यू में कहा हुआ, जहां पी क्या चीज है, हुआ पी इज एनी नंबर, कोई पूर्णांक है, फिर पी इज एन इंटीजर। अब वो इंटीजर कौन सा? जीरो इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कोई एन इंटीजर, जहां पी इज एन इंटीजर एंड क्यू इज आल्सो एन इंटीजर, और क्यू भी एक इंटीजर है, इज आल्सो एन इंटीजर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा क्यू भी कोई इंटीजर है। अब आइए देखिए, ये जो आपने पूर्णांक या इंटीजर देखा उसी में थोड़ा और बढ़ाइए। जैसे आपने देखा प्राकृतिक संख्या, उसमें जीरो आपने बढ़ा दिया तो पूर्ण संख्या हो गई, इस पूर्ण संख्या में आपने निगेटिव संख्या बढ़ा दिया पूर्णांक हो गया, इस पूर्णांक में अब थोड़ा और आप बढ़ा दीजिए, कुछ भिन्न बढ़ा दीजिए, ये हो गया रैशनल नंबर। जैसे देखिए ध्यान से, ये हो गया, पहले तो आप जानते हो ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन,
ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। आपने इसमें फिर बढ़ाया जीरो तो ये हो गया पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। अब फिर इसमें आपने निगेटिव बढ़ाया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन, इस तरह से ये पॉजिटिव इंटीजर जीरो इंटीजर निगेटिव इंटीजर ये मिला करके कुल क्या हो गया, ये इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स में थोड़ा और बढ़ाइए, क्या बढ़ा दीजिए, कुछ भिन्न बढ़ा दीजिए, जैसे एक बटा दो, तीन बटा चार, पांच बटा सात, कोई भी बढ़ा दीजिए, तीन दशमलव पांच, दशमलव में भी फिर क्या हो जाएगा, अभी दशमलव तीन दशमलव पांच मतलब पैंतीस बटा दस, क्या हो गया ये पैंतीस बटा दस, ये भी उसी तरह से हो गया। ये क्या है, मान लिया ग्यारह बटे तेरह, ये सब क्या इस तरह से, इसमें थोड़ा भिन्न बढ़ा दिया, इसको क्या कहते हैं हम रैशनल नंबर। इसको आप सोचते होंगे कि ये तो p by q के रूप में नहीं है, ये भी p by q के रूप में है। कैसे है, हम एक को कह सकते हैं चाहे एक को चाहे एक बटा एक, दुई माने दुई बटा एक, तीन माने तीन बटा एक, चार माने चार बटा एक, पांच माने पांच बटा एक एंड सो ऑन। इसी तरह से आप कहोगे जीरो बटा एक, जीरो का बटा एक कीजिए जीरो रह जाएगा, माइनस एक बटा एक ये भी माइनस एक रह गया, माइनस दो बटा एक, माइनस तीन बटा एक, ये जो पूर्णांक आप देख रहे हो ये भी बटा के रूप में, यानी बटा के रूप में पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याओं को हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं या परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं के बाद आइए, अच्छा कुछ परिमेय संख्या आइए रैशनल नंबर इरैशनल नंबर्स, ये नंबर चार रहा, नंबर पांच आइए इरैशनल नंबर्स क्या है, जिसको मिटा रहे हैं लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, शुरुआत में नहीं समझोगे बाद में कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ अब आइए देखिए आगे बढ़िए, ये रहा रैशनल नंबर्स। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, नंबर पांच क्या है, इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय, परिमेय माने जिनका पार पाया जा सके, अपरिमेय जिनका पार ना पाया जा सके। अपरिमेय संख्याएं कैसे पार ना पाया जा सके, पार पाया जा सके, जिनकी कोई सीमा निर्धारित हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिनकी कोई सीमा निर्धारित हो, निर्धारित सीमा वाली, फिक्स्ड सीमा, निर्धारित सीमा वाली संख्याएं, क्या निर्धारित, जिनकी सीमा निर्धारित हो, परिमेय माने निर्धारित सीमा, जिनकी सीमा स्पष्ट हो, निर्धारित सीमा वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, निर्धारित सीमा, सीमा निर्धारित हो। अब कैसे निर्धारित सीमा, यहां देखिए आप जब कहते हो एक बटा दो, एक बटा दो तो यहां सीमा निर्धारित, कैसे निर्धारित है, एक बटा दो का मतलब कोई एक वस्तु है उसको आपने दो बराबर बराबर भाग में आपने बांट दिया, इस सीमा निर्धारित है, फिक्स है, सीमा अस्पष्ट नहीं है। आपने कह दिया, क्या कह दिया, तीन बटा चार, इसकी भी सीमा निर्धारित है, देखने मालूम होता नहीं चार से तीन में भाग दो कटते नहीं है, मालूम होता है कि चार से भाग दो नहीं, मालूम होगा कि ग्यारह बटे तेरह, ग्यारह में तेरह से भाग दो तो नहीं कटेगा, तो कहते इसकी सीमा नहीं निर्धारित, यहां से भाग दो ग्यारह में नहीं कटेगा, सही में नहीं कटेगा, लेकिन इसकी सीमा निर्धारित है, कैसे निर्धारित है अभी आगे आप पढ़ोगे। ये एक बटा दो का मतलब एक वस्तु का आपने ग्यारह भाग कर दिया, दो भाग किया बराबर और उसमें एक भाग लिया, ये एक बटा दो हो गया, ये भी एक बटा दो हो गया, इसी को आपको ग्यारह बटा तेरह करना है, आपको इसकी भी सीमा निर्धारित है,
इस एक वस्तु के आपने 13 भाग कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये बराबर बराबर ये भाग है, हमारे बनाने में बराबर नहीं है लेकिन मानो गया कि ये 13 भाग। अब ये हो गया ये 1/13, ये हो गया 1/13, ये भी हो गया, ये भी 1/13, ये भी 1/13, ये एक एक भाग ये क्या 1/13, 1/13, 1/13, 11/13 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये इतना क्या हो गया, ये हो गया 11/13। तो इसकी भी सीमा फिक्स है ना, 11/13 यहां तक हुआ, 11/13 यानी 11 भाग ले लिया आपने, ये जो बचा है 2/13 बच गया, ये 1/13, 1/13, तो इसकी भी सीमा निर्धारित। अब कैसे निर्धारित है इसको हम लोग देखेंगे। कह रहे हो कि हम अगर 13 से भाग दें 11 में तो नहीं कटेगा, फिर एक दो में, दो से एक में भाग दिया 10.5 आ गया तो ये तो कट गया भाई, 4 से आपने 3 में भाग दिया भी कट गया, क्या हो जाएगा 10.5 बढ़ाया आपने, 4 7 28 2 30 4 5 20 10.75, लेकिन 11/13 नहीं कट रहा है। अब आइए देखिए ये कटेगा कैसे, कटेगा इसको हम लोग कैसे मानते हैं कि ये परिमेय है, तो ये अपरिमेय संख्याएं हम किसे कहेंगे, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कैसे नहीं लिख सकते उनको देखिए, ऐसी संख्याएं ऐसे दशमलव, अब आप दशमलव पे आ जाइए बहुत आसान हो जाएगा, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के अंक क्या हो, दशमलव के अंक रिपीटेड ना हो, क्या हो रिपीटेड ना हो, यानी अवसानी हो, जिनको हम लोग अवसानी कहते हैं, अवसान माने कट जाना, अनवसानी ना कटने वाली, नॉन रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग तो ना हो, टर्मिनेट माने कट जाना, कहते फलाने टर्मिनेट कर दिए गए नौकरी से, तो टर्मिनेट माने अलग कर दिया जाना, तो सीमा निर्धारित टर्मिनेटिंग हो, जैसे आपने कहा यह 3/4 क्या है, ये 3/4 ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 4 से आप भाग दीजिए 3 में, कुछ देर के बाद जाकर के कट जाता, 3 के बाद हम 10.00 चाहे जितना लिख दे, जानते हो 0 से भाग दिया 0 चौके 0 हो गया, 3 रह गया फिर 10.00 ऊपर उठाया 0 उतारा, 7 बार गया 7 चौक 28 28 2 30 फिर 0 उतारा 20 हो गया, 4 5 20 आपने देखा ये टर्मिनेटिंग दशमलव है, 3/4 क्या आया टर्मिनेटिंग, 2 अकबर खत्म हो गया, 13 से भाग दीजिए 11 में, देखिए 11.00000 इस तरह से चाहे था लिखा दी, 13 से भाग दीजिए 11 में 0 बार जाएगा, 1 बार नहीं जाएगा, 0 0 हो गया, रह गया 11.00 आपने बढ़ाया 0 हो गया, 13 8 104 हो गया, 104 और 6 10 हो गया, अब फिर सुन उतारा आपने 60 हो गया, 13 6 13 5 65 बढ़ गया, 13 54 52 या 4 हो गया, 52 10 2 8 क्या हो गया 8 आ गया, फिर सुन उतारा आपने 80 हो गया, फिर कई बार जाएगा 13 6 78 6 आया, 13 6 78 78 और 2 80 हो गया, फिर 2 आ गया, अब फिर आपने 0 उतारा, फिर 13 1 13 देखिए ध्यान से देखते जाइए, 13 फिर 7 हो गया, 13 7 20 फिर 0 आपने उतारा, 13 5 65 कितना हो गया 13 5 65 हो गया, 65 5 70 फिर 5 आपने उतारा 50 हो गया, तो 13 3 39 13 3 39 13 3 39 और 11 50
फिर आपने शून्य बढ़ाया 110 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 13 8 104। ध्यान से देखिए 13 8 104, यही देखो 104, फिर 110 आ गया यहाँ जो आया था 104 आ गया, फिर 104 आ गया, घटाओगे इसमें आ जाएगा 6। ध्यान से देखो 6 आ गया, फिर 60 हो गया, ये 60 में फिर भाग दोगे कितना आ जाएगा 13 54 52, कितना हो जाएगा 8 के बाद फिर 4 आया। तो इस तरह से आप देखोगे 8 4 6 1 5 3 इतना, फिर अगर बात फिर हो गया 8 4 6 1 5 3 क्या आएगा 8 4 6 1 5 3, फिर आएगा 8 6 1 5 3, 8 6 8 4 6 8 4 6 1 5 3, फिर आएगा 8 4 6 1 5 3, देख रहे हो, ध्यान से देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि यह दशमलव कट नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आर परिमेय आर रैशनल नंबर्स। इसमें और बढ़ाओगे क्या, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कटने वाले नहीं है, अनावसानी, अवसान माने कट जाना, कहते अवसान खत्म होगी, अनावसानी, अनावसानी आवर्ती, लेकिन आवर्ती है, आवर्ती माने दोहरा जाना, अनावसानी कट तो नहीं रहा है लेकिन आवर्ती है, दशमलव, दशमलव क्या, ये क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, क्या इनको माना जाता है परिमेय, कैसे परिमेय होते हैं, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ चुके, पढ़े होंगे, इसको आप भी सिद्ध करोगे, कभी क्वेश्चन आएगा सिद्ध किया जाएगा कि कैसे आप सिद्ध करोगे कि ये परिमेय है, इनको हम बटा के रूप में कैसे लिखेंगे, इन्हीं को हम सिद्ध करेंगे, ये 11/13 के रूप में हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये पूरा क्वेश्चन बाद में पढ़ोगे। यानी सिर्फ यहां देखना है कि अनावसानी आवर्ती दशमलव है तो वो परिमेय होगा, लेकिन अनावसानी अनावर्ती, अनावर्ती हो तब उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा, अनावसानी, अनावसानी तथा अनावसानी के साथ साथ अनावर्ती भी हो, अनावसानी तथा अनावर्ती संख्याएं, संख्याएं क्या कहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग ना कटने वाली, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड और साथ साथ क्या हो, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, डेसिमल नंबर्स का मतलब, डेसिमल का मतलब डेसिमल नंबर्स, डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, इन्हीं को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे, इरेशनल नंबर्स, ठीक, ये रहा। अब आगे आइए, लास्ट में है, क्या है, लास्ट में आपका आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, नंबर 6 है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या है, ये सभी प्रकार का जितना आपने बयान किया, क्या, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, फिर क्या है, इंटीजर, इंटीजर्स, जीरो इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जो भी हो इंटीजर, फिर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, सबका सम्मिलन,
इरेशनल नंबर्स, नंबर्स क्या कहोगे, सेट ऑफ सबका समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड क्या, रियल नंबर्स। ये सब क्या है, रियल नंबर्स इनको कहते हैं। ठीक, अब एक चीज और जान लीजिए, सातवां है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इमेजिनरी। क्या है, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी, इमेजिनरी या काल्पनिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, काल्पनिक, इमेजिनरी या काल्पनिक। काल्पनिक कौन है, अंडर रूट माइनस चार, चार का दोबारा रूल आप निकाल लोगे, प्लस दो आ गया, माइनस दो आ गया, लेकिन माइनस चार का, माइनस अंडर रूट नौ, प्लस नौ होता अंडर रूट चार का मान तो आ गया प्लस दो या माइनस दो, अंडर रूट नौ का मान आ गया प्लस तीन भी हो सकता माइनस तीन भी होगा, प्लस तीन में प्लस तीन से गुणा नौ, माइनस तीन में माइनस तीन से गुणा करो तब नौ, प्लस दो से गुणा करो प्लस चार, माइनस दो में माइनस दो गुणा माइनस चार, तो ये वर्गमूल निकाल सकते, इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या है या अधिकल्पित इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिकल्पित। क्या है, अधिकल्पित। एक और आता है आठवां आपका, किसी भी संख्या में आप शून्य से भाग दे दीजिए, एनी नंबर कोई है, एनी नंबर कोई नंबर हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो चाहे जो भी हो, उसमें जीरो से भाग दे तो ये क्या आता है, इनफाइनाइट। इसको हम लोग कह देते हैं क्या है, इनफाइनाइट। चाहे कहो ये आप इसको क्या कहोगे कि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर एक आ जाता है नौवा, जीरो बटा जीरो, ये क्या है, ये अभी इसका मान नहीं ज्ञात किया जा सका है, दुनिया ने नहीं ज्ञात कर पाया है। ठीक, तो ये इसकी कल्पना हम लोग इसकी गणना नहीं कर पाते, ये कुल नौ तरह की संख्याएं हो गई। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसी पर आज आधारित है जितने हम लोगों के सब क्या है, कंप्यूटर है, इन्हीं पर बेस्ड है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, इसको लिख लीजिए, ये कुल नौ प्रकार के, अब भूलना नहीं चाहिए, अभी तक आप सिक्स सेवेंथ ईयर्स में इसको पढ़े लेकिन भूल गए होंगे, नाइन्थ तक, अब टेंथ क्लास में आपको किसी भी हालत में नहीं भूलना है। ये जीरो बाई जीरो, ये गणना के योग्य नहीं है, गणना नहीं की जा सकती है। एनीथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट, आप अनंत कह दोगे, लेकिन शून्य में किसी चीज से भाग दो तब वो जीरो ही आएगा, लेकिन शून्य में शून्य से भाग दो तो ये गणना के योग्य नहीं है, इसका मान आज तक नहीं मालूम हो पाया। तो ये नौ प्रकार की संख्याएं हो गई। अब आगे बढ़िए, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आप कंप्यूटर में और कैलकुलेटर सोचोगे तो बहुत आसान है, लेकिन क्लासेस में लोग पढ़ाने में भी लोग आनाकानी कर जाते हैं, बच्चे पढ़ने में भी आनाकानी करते हैं, कहते हैं तो समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए बहुत आसान है, एक ख्वारिजी साहब थे, कोई कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के कि मिस्र के कहीं के रहने वाले हैं मुझे नहीं ठीक से याद, लेकिन ख्वारिजी साहब, उन्होंने इस सिद्धांत को बताया, लेकिन हमारे कुछ लोग पाश्चात्य सभ्यता वाले हैं, वो लोग हमारे भारतवासियों का या मुसलमानों का नाम लेते हुए उनको चिढ़ होती है, पता नहीं क्यों, उसके बारे में नहीं कहते। जैसे उनको कहना हुआ मिस्र तो मिस्र नहीं कहेंगे, कहेंगे इजिप्ट, उनको कहना हुआ मुल्क शाम तो शाम ना कह करके सीरिया, उनको भारत कहना तो भारत कहने में उनको चिढ़ होती, कहते इंडिया, यानी उनको इतनी नफरत होती है, ये हमारे इतिहास को मिटाते रहते हैं और हमारे देशवासियों को भी आपस में लड़ाते रहते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी ब्राह्मण ठाकुर तो कभी इस तरह, आपस में नफरत पैदा करवाना जैसे उनका है, और कहते हैं हम सबसे ज्यादा सभ्य हैं।
तो बहरहाल आइए देखिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा खारजी साहब ने क्या बता, बहुत आसान चीज ये क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड्स यूक्लिड ये कामा करके यस लिखोगे डिवीजन, आप जानते हो डिवीजन माने भाग, कितना आसान है लेकिन इसको इतना क्लिष्ट बना दिया डिवीजन लेम्मा। लेम्मा माने थ्योरी या सिद्धांत, यूक्लिड का भाग सिद्धांत, यूक्लिड का भाग सिद्धांत कितना आसान है, यूक्लिड का विभाजन सिद्धांत, यूक्लिड का विभाजन सिद्धांत, विभाजन नियम, विभाजन सिद्धांत। आप कहोगे रे तो बहुत आसान है, तो हम पहले से जानते थे। हाँ तो सही में जानते थे, क्या है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यदि किसी संख्या, कौन सी संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, किसी संख्या यानी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या यहां जरूरी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या ए, मान लिया प्राकृतिक संख्या ए में दूसरी प्राकृतिक संख्या बी, मान लिया दूसरी प्राकृतिक संख्या बी, बी से भाग देने पर भागफल क्यों आता हो। भागफल को अंग्रेजी में कहते हैं कोटियंट, इसीलिए हमने क्यू शब्द का, क्यू अक्षर का उपयोग किया है। भागफल क्यू और शेषफल को अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर, रिमेन माने बाकी रहना, शेष रहना, उसी बना रिमाइंडर। आर हो तो कितना आसान है देखिए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, कितना आसान है देखिए। या इसी को आप कहोगे कि ए में, ए को हम लोग भाज्य कहते हैं, ए इज इक्वल टू भाजक हम लोगों ने मान लिया बी, कोटियंट है क्यू प्लस शेषफल आर, यही है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, कितना आसान है देखिए। ये ए कोई संख्या है, इसमें आपने बी से भाग दिया, मान लिया क्यू बाहर आपका गया, तो इससे गुणा करोगे क्यू बी क्यू हो जाएगा, इसको आपने घटाया चिन्ह बदल करके आ गया आर, यही है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। फॉर एग्जाम्पल आपने भाग दिया, तीन से भाग दिया 17 में, तीन से भाग दिया आपने 17 में, तो ये ए बराबर हो गया 17, ये बी बराबर हो गया 3, तीन से आप भाग दिए 3 × 5 = 15, ध्यान से देखें बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान है, 3 × 5 = 15, ये हो गया क्यू, कोटियंट हो गया भागफल ऊपर वाला, ये है भागफल, ये है भाज्य, जिसमें भाग दिया जाए उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाए उसको भाजक कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइजर, भाग देने वाला, इसको कहते हैं डिवाइडेंड, ये डिवाइडेंड, घटाने पर जो आया ये हो गया रिमाइंडर या शेषफल, रिमाइंडर या शेषफल जो बाकी बचा है, ये हो गया आर, ये है क्यू, ये है। अब आप देख रहे हो कितना बढ़िया है, 17 = BQ, 17 = B, कितना 3 × 5
प्लस दो, ये ए है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है, यही है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। कितना आसान है, आप पहले से जानते थे, दर्जा दुई तीन में पढ़ाया गया था भाग कैसे दोगे, इसको कहेंगे भाजक, बी माने बांटने वाला, ये ए माने जिसमें भाग दिया जाए यानी भाज्य है, ये क्यू कोटियंट है या भागफल है, इसको कहोगे कोटियंट, इसीलिए क्यू अक्षर से प्रदर्शित किया, घटाने पर जो आया उसको हम लोग रिमाइंडर, इसलिए आर से प्रदर्शित कर दिया गया। अब आइए एक बड़ा ही दिलचस्प और बड़ी बेहतरीन पहेली, उसको हम लोग सॉल्व करें, आपको मालूम हो जाएगा इक्विलिट डिवीजन लेम्मा की उपयोगिता क्या है। हालांकि बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप देखिए कितना आसान है, कितना बेहतरीन, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा ही रोचक लगेगा, बड़ा आनंद आएगा। देखिए क्या है, वो मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए, आपके किताब में दिया हुआ है वो पहेली, उसको आप देखें कितनी बेहतरीन पहेली है, कितना अच्छा लगेगा आपको। अपने घर पर आप अपने बच्चों से भाइयों से पूछिए जरा कि भैया ये क्वेश्चन है कैसे हल किया जाए, या जो आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं, बहुत से लोग कहते हैं तू बहुत पढ़े होते, बताओ हमारे दर्जा तीन भी पढ़े रहे, तो बताओ दर्जा बारह में पढ़ाते हो, बी ए में पढ़ाते हो, तो बच्चे नहीं बता पाते, तो उनसे पूछो कि अच्छा ठीक है हम नहीं बता पाते तो आप भी बताइए हमारे एक पहेली का मतलब, ये पुराने जमाने की पहेलियां सब है, आप बताइए कैसे लगाओगे। ध्यान से देखो, इधर देखो क्या कह रहा है सवाल में आपके, है कह रहा है कोई एक अंडा बेचने वाला, कोई एक ठेला है, ठेले वाला कुछ अंडा बेच रहा है, कोई एक ठेले वाला है वो अंडे बेच रहा है, ठेले वाला है, ध्यान से सुनिएगा, हम लिख नहीं रहे उसको, काफी किताब में लिखा हुआ, एक ठेला वाला है वो अंडा बेच रहा है कुछ सड़क पर, कहते रास्ते में एक आदमी उससे मिलता है जो बड़ा निकम्मा टाइप है, लेजी है, कामचोर आदमी है, वो आता है और उससे कुछ बात करने लगता, तकरार करता है, तो ये अंडा कितका है, कछुआ का है कि मुर्गी का है कुछ बात करने लगता है, वो बताता है भैया ये बहुत बेहतरीन अंडा हमारा है, बड़ा सस्ता है, ये है वो है, ये हैदराबादी अंडा है, इसमें ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, सब बताता है, दोनों में वो कहता है कि नहीं नहीं ये आपका अंडा बेकार है, ये तो इसमें ना एनर्जी है कुछ नहीं है, देसी अंडा बहुत बेहतरीन होता है, तो वो कहता है भाई ठीक है, तो देसी अंडे में महंगा भी तो है, 15 रुपए के एक अंडा मिलता है, यहाँ आपको हम 2 रुपए में एक अंडा देते हैं। अब ऐसे बात होते होते वो आदमी गुस्से में आता है, पूरा ठेला उसका पलट देता, अंडे सारे फूट जाते। अब वो बेचारा गरीब आदमी ठेला लगाने वाला, वो क्या करे, अब उससे मारपीट भी करे तो कुछ मिलना है नहीं, और वो भाई बेकार आदमी जो है वो जीत भी जाएगा उससे मारपीट में। तब तक तमाम लोग वहां जुट जाते हैं, सड़क पर चलने वाले लोग कहते भाई क्या हुआ क्या हुआ, वो अंडा वाला बचाता बताता कि भैया मैं बेच रहा था, ये बिना मतलब हमसे तकरार करने लगे कि आपका अंडा तो बेकार है, कुछ नहीं एनर्जी है, तो भैया मेरे घर तो अंडा पैदा होता नहीं, मैं फरा जगह से खरीद कर लाया हूँ, बेच रहा हूँ, अब बताइए मैं क्या करूँ, सारा अंडा मेरा इन्होंने तोड़ दिया। तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, कसूर इन्हीं का, इन्होंने क्यों अंडा तोड़ा, तो ऐसा है कि उस पंचायत में लोगों ने बताया, कहा कि ये तुम जो है इसका जुर्माना दो। तो ये हुआ कि भाई कितना अंडा रहा होगा, क्या पता कितना अंडा रहा होगा, उस ठेले वाले से पूछा तो ठेले वाला बताता है कि कितने मेरे अंडे थे, सुनिए बड़े गौर से, ठेले वाला कहता है कि अगर उन अंडों को आप 7-7 की ढेरी बनाकर गिने, 7, 7, 14, 21, 28, 35 इस तरह से इसे गिनते जाइए,
तब बाकी एक को अंडा नहीं बचता है। सात सात ऐसे गिनते जाओ तो एक भी अंडा नहीं बचता, यानी वो संख्या जितनी है वो सात से कट जाएगी, इसका मतलब यही हुआ। फिर कहता है अगर आप छह छह अंडा गिनो, छह 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 ऐसे गिनोगे, छह बारह अट्ठारह चौबीस इस तरह से गिनते जाओ, तो कह रहा छह छह जब गिनोगे बाबू तब पांच अंडा लास्ट में बच जाएगा, यानी छठ उन्हें आदमी मिली पांच रह जाएगा, यानी फिर छक्का नहीं बन पाएगा। फिर उसने कहा अगर पांच पांच आप गिनिए तो चार अंडा बाद में बच जाता है। फिर कहता है अगर आप चार चार अंडा गिनिए एक साथ तब तीन अंडा बच जाता है। फिर कहता है अगर आप तीन तीन अंडा एक साथ गिनिए तो दो अंडा बच जाता है, दो दो अंडा एक साथ गिनिए तो एक अंडा बच जाता है। कहीं बाबू इतने जानी था और ना जानी कुल अंडा रहा। अब सब लोग परेशान है भाई कैसे लगाया जाए। अब लोग सोचे भाई किससे इसे पूछा जाए। तो उसी में कोई बच्चा था वो इक्वली डिवीजन लेम्मा पढ़े हुए था। उसने कहा भाई मैं बताऊंगा इसको। कैसे बताएगा वो देखिए, बड़ा लंबा है। फिर वही एक आदमी पुराने जमाने के पढ़ा लिखा है, कहेगा मैं और आसान बताता हूँ, तुम लोग क्या जानो है, हम लोग पुराने जमाने में पढ़े थे इसको, ऐसे हम लोग हल कर लेंगे। सिर्फ दो लाइन में तो इतनी लंबी बता रहे हो। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बड़ा लंबा है लेकिन इसका बड़ा सटीक आंसर आता है, गलती नहीं होती, गलती के चांसेस नहीं होते जो हम लोग के कंप्यूटर से लंबा, इसमें प्रोसेस होता है लेकिन गलतियां बहुत कम होती है। आइए हम लोग देखें कैसे उसको हल करेगा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। वो कहता है कि भैया मान लिया हमने कि कुल एक ए अंडा था, कुल माना कुल ए अंडे थे, माना कुल ए अंडे थे, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसने कहा भाई हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमने मान लिया कुल ए अंडे थे। तब सात सात गिनने पर शेषफल शून्य आता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू सेवन, ए इज इक्वल टू ये बी की जगह पर वो सात रख देगा, सात 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 क्यू बार गिनेगा, सात 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 क्यू बार, ठीक है। तो कहेगा सेवन क्यू प्लस जीरो रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर जीरो हो गया। तो कह रहा है ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हमारा कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि वही ए वह अंडवा कुल संख्या कहा था अगर छह छह गिनो तब क्या हो जाएगा, छह अब क्यों नहीं लिखोगे, छह के बाद कोई और गिनती लिख दो, मान लीजिए आर नहीं लिखोगे क्योंकि इसमें आर है, सिक्स यस कह ही दो, सिक्स यस यहाँ कोई और गिनती है क्यों नहीं लिखोगे, कहा था छह 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 कई बार गिनोगे, यस बार गिनोगे, सात सात क्यों बार आपने गिना, क्यों बार का मतलब दस बार बीस बार पचास बार पता नहीं करता। तब कह रहा है यहाँ आएगा शेषफल पांच आ जाएगा। अब कह रहा है फिर अगर ए यही है इसमें पांच पांच गिनो तो मान लो टी बार गिनो, यस टी, तब कह रहा है पांच 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 टी बार गिन गया तब चार बाकी बच जाते। फिर कह रहा है इसी ए को फिर आपने चार 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 बार गिना तो यू बार मान लो हो गया, आर एस टी यू, देखो यू और चार में फर्क देखो, इधर सीधी रेखा खींचो का इस तरह कर दिया करो, ये कभी कभी भूल हो जाती है। चौवाली सब लोग पढ़ लेते जितने में खरा खत्म हो जाए, देखो बंद करी, हाँ तो फोर यू प्लस तो कह रहा तीन बच जाता है। फिर उसी ए को तीन तीन करके गिनिए तब कितना हो जाएगा, थ्री यू वी, तो मान लो वी बार गिना गया तब दो बच जाता है। फिर आपने ए को गिना दो दो यू वी डब्ल्यू बार आपने गिनाया, एक बच जाता है, ठीक। ये कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यहाँ उपयोग हो रहा है हम लोग जब इसकी बात करते हैं। अब आइए देखिए कैसे इसको हम लोग गिनाए। अब आइए क्या, हाँ उसने उस ठेले वाले ने यह भी बताया
एक बात मैं भूल गया, उस ठेले वाले ने बताया कि बाबू 150 अंडा से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो 150 में या 150 से कुछ कम है, इतने हमें मालूम है। कहा तो अगर कुछ बिक चुका हो मामे से, उसने झूठ नहीं बोला है, उसने कहा कि भाई 150 अंडा में लेकर के चला था है ना, और हमको ये अंदाजा कि 150 से तो ज्यादा नहीं होगा, कुछ कम ही होगा, यानी 151, 152, 153 नहीं हो सकता। अब आइए ये ए बराबर कितना हुई, 150 हुई कि 49 हुई कि 48 हुई कि 30 हुई कि 120 हुई कि 110 हुई, कितना हुई ये देखो, उसी को मालूम करना। कैसे आप मालूम करोगे? अब आइए अगर वो सात सात की ढेरी लगाता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, संभावित अंडे कितने होंगे, यहां लिखिए, मैं लिख रहा हूं संभावित है, संभावित माने लगभग जिसको कहते हैं संभावित। अब संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी, या तो उसने सात अंडा रहा होगा तब तो एक को नहीं बची सात सात गिने पर, या 14 रहा होगा, देखो ध्यान से 14 रहा होगा, सात भी रह सकता है 150 से। अब आप गिनते जाओ 150 तक, सात हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, 28 हो सकता है, 35 हो सकता है, 7 × 6 = 42 हो सकता है, 7 × 7 = 49 हो सकता है, 7 × 8 = 56 हो सकता है, 7 × 9 = 63 हो सकता है, 7 × 2 = 70 हो सकता है, 7 × 11 = 77 हो सकता है, 12 × 7 = 84 हो सकता है, 13 × 7 = 91 हो सकता है, 14 × 8 = 112 हो सकता है, 14 × 7 = 98 हो सकता है, है नहीं, 14 × 7 = 98 और फिर 15 × 7 = 105 हो सकता है, 16 × 7 = 112 हो सकता है, और फिर 17 × 7 = 119 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, यह का मतलब जब कहा कि बहुत साथ साथ गिनेंगे तब एक को अंडा नहीं बचेगा, तो इसका मतलब इतना इतना यह सब हो सकता है, आगे बढ़ते जाओ 150 तक। आइए अब कह रहा है अगर 6 आप गिनते हो तब कितने हो जाएंगे, अब 6 गिनिए, तो 6 गिनोगे, कह रहा 6 गिनो तो 5 बच जाते, तो माने एक बार तू गिनो तो कम से कम कितना होगा, 11 अंडा होगा, नहीं समझो 11 से कम नहीं होगा, मान नहीं समझ में कह रहा, जब 6 हम गिनते हैं तो 5 अंडा बच जाते, के माने कम से कम 11 अंडा रहा होगी, कि एक बार 6 गिनो बाद में 6 नहीं पूरी पांचे रहेंगे। अब दूसरी बार कितना रहा हुई, मां फिर 17 रहा हुई, नहीं हुई जी 6 × 12 ES = 2 × 1 = 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ क्यू बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से लिखते जाओगे, नहीं समझे, यहाँ क्यू बराबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह लिखते चले जाओ, यस बराबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखते चले जाओ, फिर उसमें 4 जोड़ते जाओ, हाँ अब जब माओ घसिया हो तब अच्छा इसी तरह से देखिए तो क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 5 = 11, 6 × 12 = 5 = 17, 6 × 3 = 18 = 5 = 23 कितना हो जाएगा 23, फिर 6 × 6 = 24, 5 × 29 = 29, 6 बढ़ाते चले जाओ, 29 × 35 = 41, 41 × 47, 47 × 53, 53 × 65, 65 × 61, 61 × 65, 65 × 71 है ना, देखो 6 × 6 = 1, 7 × 6 = 5, 11 ठीक है, 71, फिर 71 × 6 = 77, 77 × 84, 84 × 7 = 90, 90 × 6 = 96, 96 × 6 = 102, 102 × 6 = 108,
108 और 6 114 114 और 6 120 रही कौन गलती किया मैं 151 नहीं साबित चाहिए 6 का देखो 11 6 17 17 6 23 23 6 29 29 6 35 35 6 41 41 6 47 47 6 53 53 6 61 61 और 6 65 65 6 71 71 6 77 77 6 84 84 और 6 90 90 6 96 96 6 102 106 और 2 108 108 6 14 77 और 6 87 83 ये गड़बड़ हो गया देखो ये 83 अच्छा तो ये हो गया कितना ये हो गया 89 नहीं 89 ये हो गया 95 तो कलम ये 95 ये 95 101 107 113 119 ऐसे देखो फिर इसी तरह से इसको आप देखोगे पांच करने में पांच चार नौ हो गए नौ और फिर दुई देखो टी की जगह पर एक दुई तीन चार पांच छह सात लिखते जाओ पांच दूनी दस चार चौदह पांच किया पंद्रह चार उन्नीस नहीं समझो उन्नीस और पांच चौबीस चौबीस पांच उनतीस उनतीस पांच चौतीस चौतीस पांच उनतालीस उनतालीस पांच चौवालीस चौवालीस पांच उनचास पांच पांच है ना उनचास पांच चौवन चौवन पांच उनसठ उनसठ पांच चौसठ चौसठ पांच उनहत्तर उनहत्तर पांच चौहत्तर चौहत्तर पांच उन्यासी उन्यासी पांच चौरासी चौरासी पांच नवासी नवासी पांच चौरानवे चौरानवे पांच निन्यानवे निन्यानवे पांच एक सौ कितना हो गया चार एक सौ चार एक सौ नौ एक सौ नौ पांच चौदह एक सौ चौदह एक सौ चौदह पांच एक सौ उन्नीस एक सौ उन्नीस आया ऐसे ही इसको भी आप करते जाओगे तो देखोगे कि एक सौ उन्नीस सब में कॉमन है इसका मतलब उसके पास कुल एक सौ उन्नीस अंडे रहे होंगे है बात समझ अब दूसरी विधि है कल बताएंगे वो बहुत आसान है लेकिन यह है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की विधि यहाँ आप क्यू का मान एक दो तीन चार रखते जाओगे यस का मान एक दो तीन चार रखते जाओगे टी का मान एक दो तीन चार रखते जाओगे क्यू बी का मान ये